नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मुफ्त ज्ञान गुरुजी में। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे फूल के पौधे पाए जाते हैं जो सालों भर खिले रहते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, इन पर इनका कोई भी असर नहीं दिखता है और बेहद ही खूबसूरत होते हैं। क्या दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूल के बारे में जो बेहद मोहक होता है, बेहद खूबसूरत होता है। इसे सदाबहार के नाम से आप लोग जानते होंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस फूल के बारे में नहीं जानता होगा। इसे बहुत जगहों पर सदाफूली, नयनतारा, बारहमासी, सदा पुष्पा के नाम से जाना जाता है। इसकी 8 प्रजातियां पाई जाती है। इसके फूल या तो सफ़ेद कलर के होते हैं या फिर गुलाबी कलर के होते हैं। दोस्तों, इस पौधे के बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं जिसकी मदद से आप चेहरे पर पिंपल्स को दूर कर सकते हैं, सफ़ेद बाल हो तो काला कर सकते हैं, मोटापे से परेशान हैं तो अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं, पतला बना सकते हैं, बवासीर की समस्या हो तो दूर कर सकते हैं, मधुमेह की बीमारी हो तो आप उसमें राहत पा सकते हैं, खाज खुजली एक्जिमा हो तो आप उसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे हाथ पैर में कहीं घाव हो जाए, बहुत तेज दर्द होता हो, फोड़ा फुंसी हो जाए तो कैसे उसे दूर किया जा सकता है। इसकी पत्तियों का रस दूध में मिलाकर लगाते हैं तो घाव पक जाता है और जल्दी मवाद बाहर निकल जाता है और घाव ठीक हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें, इसका प्रयोग आदिवासी लोग अभी भी करते हैं। नंबर 2, बवासीर की समस्या हो तो कैसे दूर किया जा सकता है। प्रतिदिन रात को सोने से पहले पत्तियों और फूलों को कुचलकर बवासीर होने पर इसे लगाने से आराम मिलता है। इसका भी प्रयोग आदिवासी लोग करते हैं। नंबर 3, मुहांसे हो जाए तो कैसे दूर किया जा सकता है। सदाबहार के फूलों और पत्तियों के रस को मुहांसे पर लगाने से कुछ दिनों में मुहांसे व पिंपल्स दूर हो जाते हैं। मधुमेह की बीमारी हो तो कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, चलिए जान लेते हैं। सदाबहार के 3 से 4 कोमल पत्तियां चबाकर रस चूसने से मधुमेह रोग में राहत मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्जिमा हो, सोरायसिस हो, दाद खाज खुजली हो तो इसके पत्तियों को तोड़ने पर जो दूध निकलता है उसे खाज खुजली पर लगाने से आराम मिलता है। दिन में कम 2 बार लेप लगाना चाहिए, इससे दाद खाज खुजली में आराम मिलता है। अगर किसी व्यक्ति के सफ़ेद बाल हो गए हैं तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। खाली पेट इसके पत्तों को चबाने से और खाने से बाल लंबे समय तक काले रहते हैं, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा में चमक दमक रहती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आखिरी में जानते हैं, मोटापे को कैसे कम किया जा सकता है। इसके पत्तों और इसके फूलों से बनी हुई चाय या फिर काढ़ा बनाकर सेवन करने से मोटापा कम होता है, पेट की चर्बी पिघलने लगती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी यह सिंपल सी, बहुत ही छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्दी जुड़ते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।